देखता कि सेमिनार कार्यक्रम को हाजिर हुए ऑनरेबल मस्जिद पेदार साहब मंच पे उपस्थित मजहर साहब टीम फैकल्टी ऑफ साइंस मुनीबुद्दीन साहब नवाब कमरुद्दीन साहब शरफुद्दीन रहमान जी साहब मोहम्मद यूसुफ कबू भाई मोहम्मद जावेद भाई मंच पर तशरीफ लाए हुए सभी ऑनरेबल चीफ गेस्ट्स और गेस्ट और यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों बहनों और सभी मेरे बाल कौमी एकता के सेमिनार फंक्शन पे आपने मुझे बुलाया मेरा सम्मान किया इसलिए सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। दूसरी बात यह है आज यहां कौमी एकता के ऊपर का सेमिनार था उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ ऐसा मैं यहां पे डिक्लेयर करता हूं। सुभान अल्लाह। मुझे एक बार बहुत ही दिल से आपके सामने रखना है कि अभी एक जनाब साहब का मैं सुन रहा था बहुत अच्छा बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि उनकी बात खत्म ना हो सुनता ही गया। आज के हिंदुस्तान में अगर हालात देखे जाए तो उनको चंद दो लकीरों में पेश किया जा सकता है जैसे कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का यारो क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का यारो काम कर रहा हूं आई नहीं बेचने का मेरा कारोबार ऐसा चल रहा है कि मैं आईने बेचने का काम कर रहा हूँ वो भी आंदोलन के क्षेत्र में। सुभान अल्लाह। आज ऐसे भी हालात कुछ हमारे हिंदुस्तान के हर समाज हर आदमी जाति में बंटवारा हो गया है आदमी आदमी में धर्म के नाम पे दीवारें खड़ी की जा रही है और ऐसे वक्त पे हमारे आने वाली नस्लों को हम क्या सिखाए ये बहुत ही अहम चीज होती है। यहाँ मेरे सामने जितने भी सारे बच्चे बैठे हैं उनके दिमाग में अगर हम पहले से ही जहर भरना शुरू कर दिए जाए तो वही उसका रिजल्ट मिलेगा अगर हम उनको दिमाग में शहद भर दिया जाए तो वह वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि दिमाग को दो दरवाजे होते हैं एक आम का दरवाजा होता है और दूसरा कानों का दरवाजा होता है। हम जो हमारे आंखों से देखते हैं उसकी छवि हमारे ब्रेन पे प्रतिबिंबित होती है और हम जो हमारे कानों से सुनते हैं वो आवाज हमें हमारे दिमाग तक पहुंचती है और हमारे दिमाग का संस्करण होता है। अभी इसके पहले की जो बात चल रही थी उसमें पानी का जिक्र आया दो पानी देना है एक गर्म पानी दो गर्म पानी देना है पहला गर्म पानी देना है वो आए हुए मेहमान को आराम महसूस हो इसलिए और दूसरा शोरबा जो देना है गर्म पानी का वो उसकी भूख मिलाए इसमें इसी पानी को पकड़ के मैं कुछ चंद एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जो नेचर है ये सबसे बड़ा दुख होता है और जैसे पानी की बात चल रही है तो पानी अपने को बहुत कुछ सिखाता है क्या सिखाता है अपने को पानी हमारे आंखों के पानी की भी टेस्ट साल्टी है और समुन्द्र के पानी की भी टेस्ट साल्टी है इससे पानी हमको ये सिखाता है कि अपने जिंदगी में कम बहुत ज्यादा है खुशी बहुत कम है। दूसरा पानी हमें ये सिखाता है अगर ग्लास में लिया तो ग्लास का आकार लेता है अगर बोतल में लिया तो बोतल का आकार लेता है अगर बाल्टी में डाला तो बाल्टी का आकार लेता है लेकिन जिसमें हो उसमें से अगर उसको फेंका दिया जाए तो बहना चालू कर देता है। पानी का असल मूल धर्म है बहना। इससे हम पानी से ये सीख ले सकते हैं कि हमारे मूल स्वभाव को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हम जिसके भी साथ में रहे उससे हमें उस कॉम्प्रोमाइज करना है यह हमको पानी सिखाता है। और आज जब हिंदुस्तान की तरफ हम देखते हैं तो जगह जगह धर्म के नाम पे झगड़े खड़े किए जा रहे हैं वो भी सियासती स्वार्थ के लिए। हमको ये बात समझनी चाहिए
यहाँ के सभी के सूफी संत जो यहाँ पे हो गए खुलदाबाद में कहा जाता है कि यहाँ के सरजमी में एकता की खुशबू है और इंसानियत की हवा यहाँ पे चलती है। सही बात है। और इसी पैगाम सूफी संतों ने फैलाया, लेकिन चंद सियासत के साथियों के लिए कुछ लोग आप हम में और आप में बंटवारा करना चाहते हैं। तो मेरा एक ही कहना है, यहाँ पे जो सेमिनार हो रहे हैं वो सेमिनार से ये संदेश फैलाया जाए कि आदमी आदमी अलग नहीं है, सब इंसान एक जैसा है और सब इंसान यहाँ पृथ्वी पे जो भी इंसान पैदा हुआ है उसे जीने का हक है और वो सभी का एक ही तरीके से जीना होना चाहिए। और यही पैगाम यहाँ के सेमिनार से जाए। इतनी बात मैं कहता हूँ, आपने मुझे बुलाया, मेरा इस्तकबाल किया, इसलिए आप सभी का शुक्रिया गुजार करता हूँ। धन्यवाद।